नमस्कार, वेलकम टू मोटिवेशन फॉर लाइफ। जिंदगी में मोटिवेशन हमारे आसपास ही होता है, बट उसे देखने की निगाह, ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ की जरूरत है। मोटिवेशन हमें जरूरी है एक बेहतर से बेहतर इंसान बनने के लिए, एक अच्छा समाज बनाने के लिए। जिन समाजों में अच्छे विचारों की कमी नहीं है वो उच्च समाज होता है, और इसीलिए हमें हमारे आसपास अच्छे विचार, सुविचार, अच्छे लोगों का संग्रह करते रहना चाहिए। सो मोटिवेशन फॉर लाइफ इस चैनल में मैं अपने कुछ विचारों को प्रकट करता हूँ, एक दोस्त की तरह आप उसको लीजिए। जो भी परसेंटेज में आपको अच्छा लगा आप अपने साथ अपने दोस्तों में उसको बांटिए। चैनल अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। आज का विचार है श्रद्धा एंड सबूरी क्या हमारा जीवन संवार सकते हैं। तो प्रथमता ओम साई ओम, ओम साई राम। शिरडी हमारे पुणे से कुछ 4-5 घंटे की दूरी पे है, कई बार जाना होता है। शिरडी के बाबा की जो कुछ एक्सपीरियंसेस है, उन्होंने जो सिंपल तरीके से अपने जिंदगी से बयां की है, वो सारी दुनिया में प्रचलित है। तो साईं बाबा पे तो हम सब लोग विश्वास करते ही हैं। मैं कई बार वहां दर्शन के लिए गया, और कई बार जब मैं देखता हूं हर साईं के मंदिर में एक तरफ लिखा होता है श्रद्धा और दूसरी तरफ लिखा होता है सबूरी। हजारों लाखों में रोज भक्तगण दर्शन लेते हैं, बाबा के चरणों में नमस्कार करते हैं, फूल अर्पण करते हैं, फूलों की खुशबू लेते हैं, प्रसन्न होकर मंदिर से बाहर जाते हैं। मैं जब उस वहां जाता हूं, बाबा से कनेक्ट होता हूं, तो इस दो विचार पे बहुत गौर करता हूं। एक तरफ लिखा है श्रद्धा और एक तरफ लिखी है सबूरी। क्या खूब, बस दो ही वर्ड्स हमारी जिंदगी को संवार सकते हैं। बाबा ने तो आशीर्वाद दे दिया इन दो वर्ड्स से, बस अनुभूति हमको लेनी है। श्रद्धा मीन्स द ट्रस्ट एंड सेकंड इज द पेशेंस, दैट इज अवर लाइफ, नॉट बियॉन्ड दैट। अब जो श्रद्धा है वो हर आजू बाजू के आपके जो भी कुछ एनवायरमेंट है उसमें आपकी कितने प्रतिशत श्रद्धा है। जैसे आपने बाबा के सामने चरण छुए, आपकी कितने परसेंट प्योर दिल से आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, दर्शन ले रहे हैं, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए आप तैयार हैं, बस उसी प्रकार से आप पे कृपा होने वाली है। तो ये परसेंटेज जो है ना श्रद्धा का, वो बड़ा गड़बड़ा गया है। आने वाले जो भी कुछ भक्तगण है आ तो जाते हैं, बट श्रद्धा का बड़ा अभाव है। श्रद्धा, सरेंडर, बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके जो भी कुछ चेतना स्थान है, आपके जो भी कोई पूज्य स्थान है, आपके जो भी कोई मित्र है, आपका जो भी कोई प्रोफेशन है, आपकी जो भी कोई हॉबी है, आपकी जो भी कोई एक्सरसाइज है, आपका जो भी कुछ एंटरटेनमेंट का माध्यम है, क्या आपकी उस पे 100% श्रद्धा है? नहीं। Now in the times of information load,
थिंग्स आर वेरी डायल्यूटेड. सो हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए, स्टार्ट्स विद मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन, सन, डॉटर, फ्रेंड्स, किन पे मैं 100% बिलीव करता हूँ. तो हम पाएंगे कि बहुत ही कम. बट साईं राम ने तो कहा है कि बस श्रद्धा और सबूरी दो चीज है तो आपकी जिंदगी निहाल है, सिंपल है. तो कल जब आप अपने आप पे, आज जब वीडियो देखने के बाद गौर करो, तो आप अपने आप को पूछो कि मैं किस भगवान पे 100% विश्वास रखता हूँ. भक्ति, भक्ति रस, भक्ति मार्ग सर्वोत्तम मार्ग. बट यहाँ भक्ति मार्ग में वही होता है कि अगर आपका 100% सरेंडर है कि मैं और मेरे साथ, मेरे आयुष्य में जो भी चीजें हो रही है, बस राम जी आपकी कृपा से हो रही है, भगवान कृष्ण आपके कृपा से हो रही है, साई राम आपके कृपा से हो रही है, ये भक्ति भाव बहुत जरूरी है, अन्यथा उतना असर नहीं आएगा. तो श्रद्धा. अब प्रोफेशनल लाइफ में आइए, यहां से ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड के लिए हमको धन की प्राप्ति होती है, पैसे की जरूरत है, अरे कोई जरूरत है ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड में, यहां तो लेन देन पैसे से ही होने वाले. क्या हम हमारे प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, बिजनेस पे 100% बिलीफ करते हैं कि इसमें कैपेसिटी है हमको वो सब देने की? गौर करो, गौर करो, वेरी इंपॉर्टेंट. 1-7 दिन तो लगेंगे कि डज माई बिजनेस हैज द पोटेंशियल टू गिव मी द रिवॉर्ड व्हाट आई नीड फॉर माई लाइफ. जो कुछ मुझे संपत्ति चाहिए इस प्रोफेशन के जरिए, लोगों के थ्रू आनी चाहिए, वो मुझे मिल सकती है क्या? वो ही श्रद्धा. जहां आंसर आ गया है यस, 70-80-90% चांस है कि ये जो आपने चुना है ये आपकी सारी फिजिकल जरूरतें पूरी कर सकता है. सो फिर उस पर भेट जाओ. अगर नहीं तो गौर करो कि आप में ऐसा क्या और स्किल है जिसके जरिए आप वो सारी चीज, फिजिकल नीड्स, मैटर नीड्स, मटेरियल नीड्स, यू कैन एक्वायर फ्रॉम द वर्ल्ड बाय गिविंग द सर्विसेज. एक बार चुन लो तो फिर उस पर श्रद्धा रहनी जरूरी है. श्रद्धा नहीं तो कुछ नहीं. क्या खूब श्रद्धा. और दूसरी चीज जो साईं राम की थी, सबूरी. सबूरी मीन्स पेशेंस. इन द टुडेज इम्पेशेंट वर्ल्ड पेशेंस बचा ही नहीं है. हमको हर चीज जल्दी 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 में करनी है. बस जहां आपका बिलीफ आ गया कि मैं ये करूंगा तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी, अब चाहिए सब्र, पेशेंस, फेथ. पेशेंस इज द की. शांति से पेशेंस, शांति से पेशेंस. हर चीज को वक्त लगता है, हर चीज को वक्त लगता है. बीज जमीन में बोने के बाद फल आने तक वक्त लगता है, वक्त लगता है. गिव द टाइम, द टाइम एंड यू विल गेट ब्लेसिंग्स. ये प्रकृति का नियम है. कोई चीज फटाफट होने वाली नहीं है. हर चीज को जितना वक्त लगना है उतना लगना ही है. तो सबूरी हमको जिंदगी में आत्मसात करनी ही पड़ेगी. पेशेंस हमको लगने ही वाला है. गड़बड़ में कोई अच्छी चीज नहीं बनने वाली. तो अगले बार जब साईं बाबा के पास जाए, नमन करें, दोनों तरफ नजर फैलाएं, श्रद्धा सबूरी
वापस जाएंगे, ब्लेसिंग्स मिलेगी, उन दो चीज़ों को, दो शब्दों को अपने मन में पक्का रखे। श्रद्धा चाहिए मुझे और सबूरी भी चाहिए। मेरा जीवन उन्नत बनाना है, मेरा जीवन संवारना है, मुझे इस जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा करना है, तो मुझे लगेगी श्रद्धा और मुझे लगेगी सबूरी। सो दोनों को रखिए आपके लाइफ में, आपका लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। ओम सर।